अच्छा देखिए, आजकल का वेदर बड़ा एकदम गर्मी है, ठीक है ना, और जब हम बाहर निकलते हैं काम के लिए निकलना तो पड़ता ही है, बिल्कुल। तो जो प्योरीफाई फ्लेयर का सन ब्लॉक है वो कितना जरूरी है आजकल लगाना, क्या ऑयली तो नहीं है, क्या इसकी खुसूसियात है? सन ब्लॉक तो आपको निदा पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, और पाकिस्तान में जब से हीट वेव्स आना शुरू हुई हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो स्किन में पेनिट्रेट करके हमें डैमेज करती है। सन ब्लॉक की इंपॉर्टेंस के बारे में तो मैं हमेशा से बताती हूँ कि सन ब्लॉक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ, वो कहते हैं अगर हम घर में बैठे हुए तो सन ब्लॉक लगाना जरूरी है। देखिए घर में बैठे हुए भी हमें फील तो हो रहा है, हमें धूप की सेंसिटिविटी फील हो रही है, चाहे आप एसी में भी, और ये लाइट्स, दीज लाइट्स एक्ट एज सन लाइट्स, तो सन ब्लॉक की इम्पोर्टेंस तो है ही है। इसमें ख़ास बात ये है कि देखिए इसमें ये SPF 50 है, SPF 50 है, उसके साथ इसमें UVA लाइट, UVA रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट जो है ना एडवांस फार्मूला है UV भी। तो इसका ख़ास बात यह है कि आप पूरे 12 महीने लगा सकती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंस इसकी ये कि वाटर रेजिस्टेंट है, बहुत कम ऐसे सनब्लॉक्स हैं जो वाटर रेजिस्टेंट हो, ये बिल्कुल चिपचिपाहट आपको नहीं करेगा, सनलाइट से बचाएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पेनिट्रेट नहीं होने देगा, और वाटर रेजिस्टेंट है तो आप मुंह भी धोएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दिस इज़ रियली गुड। आपको चिपचिपाहट का एहसास भी नहीं होगा, आप पूरे 12 महीने लगा सकते हैं अल्ट्रावायलेट 50 के साथ, UVB इसमें ऐड है।